आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि शॉप बड़ी होने से कुछ नहीं होता है, छोटी सी छोटी जगह में भी अच्छी चीज मिलती है। ये चीज मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से देखी, बहुत छोटे से कार्ड में बहुत धमाकेदार ऑमलेट मिला। कैसा लगता है इनका ऑमलेट? बहुत ही बढ़िया लगता है भैया, मैं डेली आता हूँ यहाँ पे, मैं रेगुलर आ रहा हूँ। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजेदार होंगे। तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आ चुका हूँ। मैं आज आया हूँ मंडी चौक हिसार के अंदर। तो गाइस, मैंने इनके बारे में बहुत ज्यादा सुना है, बहुत ही धमाकेदार ऑमलेट और बहुत ही बढ़िया यम्मी हाफ फ्राई भुर्जी वगैरह सब बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो आइए गाइस, भैया से इनका धमाकेदार ऑमलेट बनवाते हैं और आपको टेस्ट करके दिखाते हैं इनका ऑमलेट कैसा है। तो भैया, आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम मनु एग वाला है। तो आपके यहाँ पे स्पेशल क्या आइटम मिलती है? मेरे यहाँ पे हाफ फ्राई है, हाँ जी, भुर्जी है, हाँ जी, ऑमलेट है, हाँ जी, उबले अंडे हैं, बॉयल अंडे जिसको कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, ठीक सभी। तो आप हमारे पास क्या टेस्ट कराएंगे? हम आपको दो अंडे का ऑमलेट बनाएंगे अमूल मक्खन के अंदर। ठीक है भैया, आप बना के दिखाइए। जी अभी बनाते हैं। ठीक है भैया, हमारा ऑमलेट बनने जा रहा है, तो देखते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं भैया। अमूल बटर डाल दिया भैया? बिल्कुल सर, अमूल मक्खन में भी बनाने हम जो हमारे कस्टमर हैं, हाँ जी, उनके अकॉर्डिंग ही काम करना पसंद करते हैं। ठीक है भैया, जैसे कि हमारे कस्टमर कहते हैं कि हमारे को अमूल मक्खन में खाना है तो हाँ, हम अमूल में बना देते हैं। ओके, अगर वो कहते हैं कि हमारे को सिंपल खानी है, हाँ जी, तो सिंपल में बना देते हैं। ओहो, चलो बढ़िया, हमारे को अमूल मक्खन में खिलाइए। बिल्कुल, तो इसके अंदर आप क्या क्या डालेंगे भैया? इसके अंदर हम डालते हैं प्याज डालेंगे, हाँ जी, ठीक है, ग्रीन चिलीज डालेंगे, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, फ्रेश धनिया डालेंगे, हाँ जी, बिल्कुल जी। तो इसके अंदर कौन कौन से मसाले डाल दिए? इसके अंदर हमने MDH की रेड चिली डाली है, हाँ जी, MDH की हल्दी डाली है, हाँ जी, विशेष प्रकार का मसाला डाला है। ये आपका प्राइवेट मसाला है? जी, ठीक है, ये हमारा सीक्रेट मसाला है। ये सीक्रेट मसाला है। देखिए गाइस, भैया की स्पीड देखिए, एक बार बनाने की स्पीड देखिए। वाओ, नाइस। तो ऑमलेट बनाने में भैया कितनी देर लगती है? देखिए, 2 से 3 मिनट भी लगते हैं, हाँ जी, और फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग बना देते हैं कि अगर जैसे वो फ्री माइंड से अपने घर से आए हैं, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, एंजॉय कर लिए आए हैं, हाँ जी, तो फिर हम लोग उनसे बातें करते हैं, उनसे शेयर बातें भी शेयर कर लेते हैं अच्छे से, और उनका मनोरंजन। देखिए गाइस, भैया कितना अच्छा नेचर है, तो एक बार इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करें और इनका आगे एक बार जरूर ट्राई करें। पहले हम एक बार हम खुद ट्राई करके देखते हैं, फिर आपको बताते हैं ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको कितने साल का तजुर्बा है भैया? सर जी, 4 से 5 ईयर्स का तजुर्बा है। ओके सर, तो आप हमारे को टेस्ट कराइए। मुंह में पानी आ गया, देख के मुंह में पानी आ गया, फटाफट ट्राई करा दीजिए बस। बिल्कुल जी, बिल्कुल करा। तो अभी कौन सा मसाला डाल रहे हैं भैया? ये भाई सीक्रेट मसाला, विशेष प्रकार का मसाला था ये, नींबू आ गया इसके ऊपर, हाँ जी भैया, और ये हमने आपको कट करके दे दिया। कितने पीस करते हैं इसके? हम पूरे का पूरे कम से कम 8 से 9 पीसेस कर देते हैं। ओके, तो अब ये कौन कौन सी सॉस डाल रहे हैं मेरे को एक बार इसका बताइए। क्रीमी, क्रीमी का की? वाओ, ब्रांड यूज कर रहे हैं यार भैया। तो बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये आप हरी चटनी किस ये हैं हमारी ये स्पेशल चटनी होती है, हाँ जी, इसके अंदर क्या बोलते हैं अपना धनिया है, पुदीना है, हाँ जी, ठीक है, हरी मिर्च है, लहसुन है, हाँ जी, पालक है, हाँ जी, एक पबरी नाम की चीज होती है वो भी डलती है इसके अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, कई सारी आइटमों से तैयार होती है और इसके विशेष एक अच्छा सा टेस्ट आता है और वो टेस्ट हर किसी दुकान पे नहीं मिल पाता है। ये बात है, तो हमारे को फटाफट ट्राई करा दीजिए, बस मुंह में पानी आ गया देख के। बिल्कुल सर। तो आइए गाइस, इनका धमाकेदार ऑमलेट टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है, जैसा इनका नाम है या जैसे नाम है, ये टेस्ट भी करके देखते हैं, इनको बताते हैं इनका कैसा बना है। अरे इनका नाम ही नहीं, इनका वाकई में बहुत ज्यादा यम्मी और धमाकेदार ऑमलेट है। आप एक बार जरूर आए और इनका एक बार ये धमाकेदार ऑमलेट ट्राई करके देखें। वेरी डिलीशियस गाइस। देखिए भैया, आप हमारे लिए हाफ फ्राई बना रहे हैं, तो इनकी हाफ फ्राई भी देख लेते हैं कैसे बनाते हैं भैया। तो आप एक घंटे की ऑमलेट हाफ फ्राई बना रहे हैं भैया?
बिल्कुल जी बिल्कुल, तो बनाइए सर। देखिए गाइस कितने प्यार से घूम रही है हमारी हाफ फ्राई। वाओ स्टाइल देखिए बेचारा घुमाने का, ये भी किसी किसी का तजुर्बा होता है, हर कोई नहीं घुमा पाता। ठीक है ना भैया? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो भैया आपने दो ब्रेड ले गए आप? बिल्कुल। ये भैया आप सीक्रेट मसाले डाल रहे हैं? अपने सीक्रेट मसाला आएगा, थोड़ी रेड चिली सॉस चिली आएगी। हाँ जी ठीक है। ये प्याज आ गए। हाँ जी ठीक है सर। ये ग्रीन सॉस आ गई, ग्रीन चिली जानी आपने? बिल्कुल। हाँ जी चिली आ गई। हाँ जी ठीक है। ये सॉस आ गई सर। ये आपकी क्रीमिका वाली सॉस जी, और ये आपकी स्पेशल सॉस सॉस है। ये चटनी है ठीक है भैया, जिसकी घर की बनी हुई जो हम यूज करते हैं आपने। ठीक है भैया, ये तो आपने बिल्कुल सैंडविच जैसा बना दिया। बिल्कुल। और ये सीक्रेट मसाला अलग से। तो भैया ये एक अंडे की हाफ फ्राई का क्या रेट रहेगा भैया? एक अंडे की हाफ फ्राई का 20 रुपीज रेट है। बस 20 रुपीज सिर्फ एक अंडे की का? और टू अंडे का? दो अंडे का 35 रुपीज है। ठीक है भैया। तो देखिए गाइस भैया बढ़िया तरीके से बना रहे हैं, देखो कितना क्रंची रेड कर दिया भैया ने, पूरा गोल्डन कलर आ चुका है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में कितना अच्छा लगेगा देखिए साथ गाइस। खिला दीजिए भैया, आप वेट नहीं हो रहा, मुंह में पानी आ चुका है। फिर अब वही सीक्रेट मसाले डाल रहे हैं भैया? बिल्कुल जी बिल्कुल। ये आ जाओ बस, नींबू नींबू ये हमने कटिंग कर दी, पीसेस कर दिए इसके, चार पीस करते हो भैया? बिल्कुल चार पीस कर दिए। तो गाइस इनकी हाफ फ्राई भी टेस्ट करके देखते हैं इनकी कैसी बनी है। ये अपन एक पीस खाया और इनकी दोनों चटनियां लगा के देखते हैं कैसा टेस्ट आता है। पूरे 20 रुपए में ऐसा टेस्ट कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कहीं पे भी। ये भी आपको दे रहे हैं ना 20 रुपए में, आजकल कुछ भी नहीं मिलता आपको हाफ फ्राई दे रहे हैं 20 रुपए में। तो एक बार जरूर आए और इनका टेस्ट ट्राई करें। तो मोनू भैया हमारे व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ व्यूवर्स से, हाँ जी एक बार मेरी शॉप पे जरूर आए, मैं आपको अच्छे से अच्छा बना के आपको खिलाना चाहता हूँ। हाँ जी आपको ये भी बताना चाहता हूँ, हाँ जी, कि शॉप बड़ी होने से कुछ नहीं होता है, छोटी सी छोटी जगह में भी अच्छी चीज मिलती है। ये चीज मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से देखी, बहुत छोटे से कार्ड में बहुत धमाकेदार ऑमलेट मिला आपका। ठीक है भैया, नमस्कार, थैंक यू भैया। तो आइए गाइस इनके कस्टमर से इनका रिव्यू लेते हैं। तो हाँ जी भैया आपको कैसा लगता है इनका ऑमलेट? बहुत ही बढ़िया लगता है भैया, मैं डेली आता हूँ यहाँ पे, मैं रेगुलर आ रहा हूँ बहुत दिनों से। हाँ जी मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है इनका ऑमलेट, और इनके बॉयल एग भी बहुत ही बढ़िया है। ओके सर, तो आप 10 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे इनको? 10 out of 10। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। कैसे इनका कार्ड है मंडी चौक पर, ये अपना सैनियन मोहल्ले की तरफ से आएंगे, तो यहाँ से आते ही इनका पहला कार्ड है, तो इनका एक बार शक्ल ध्यान से देख लीजिए,